ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक संपन्न। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। गोपीगंज नगर के पड़ाव स्थित एक प्रतिष्ठान में रविवार को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद संगठन के मिर्जापुर मंडल उपाध्यक्ष राकेश त्रिवेदी और मंडल महामंत्री अशोक सिंह का पत्रकारों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। संगठन के जिला अध्यक्ष अमृत लाल अग्रहरी ने अंगवस्त्र भेंट करके मुख्य अतिथियों का स्वागत किया है। कार्यक्रम में जनपद के कोने कोने से पत्रकार पहुंचे हुए थे। संगठन की मजबूती और पत्रकार एकता बनाए रखने का संकल्प लिया गया है, जहां सभी पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। महामंत्री अशोक सिंह ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का ये संगठन पत्रकारों के हित के लिए काफी संघर्षशील संगठन है। उन्होंने कहा कि बलिया कांड में पत्रकारों को जब गिरफ्तार किया गया तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संगठन ने भदोही सहित समुचित प्रदेश में आंदोलन किया था। संगठन के माध्यम से पत्रकार एकता बनाने और पत्रकारों के हित के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही गई। इस मौके पर दिनेश कुमार यादव उर्फ दादा, शिवांशु दुबे, मनोज वर्मा, आशीष मदनवाल सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमृत लाल अग्रहरी व संचालन जिला महासचिव दिनेश कुमार यादव दादा ने की। ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद इकाई भदोही के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक है, जिसमें सम्मान समारोह और परिचय पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता माननीय जिलाध्यक्ष श्री अमृतलाल अग्रहरी जी ने किया और इसमें विशेष रूप से मुख्य अतिथि राकेश द्विवेदी जी, जो मंडल उपाध्यक्ष हैं, और मैं मंडल महामंत्री अशोक कुमार सिंह और जिला महामंत्री दिनेश कुमार दादा जी हैं और समस्त पत्रकार बंधु हैं। इस जनपद के पत्रकारों को एकता बनाए रखने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें यह संदेश है कि संघे शक्ति, अगर हम पत्रकार बंधु आपस में अलग अलग जो है विचारों से अलग अलग रहेंगे तो हमें शक्ति नहीं आएगी। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जो पूरे प्रदेश और देश में ये जो है पूरा जो है संचालित है और जो पत्रकारों की लड़ाई को लड़ता है, और मैं चाहूँगा कि इससे लोग जुड़ें। जो हमारे साथी तहसील अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं, ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जो पत्रकार बंधु हैं उनसे अपने विचारों को रखें और उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में एक ऐसी शक्ति दें, इतनी संख्या हो कि जो उत्तर प्रदेश में एक अव्वल स्तर का जनपद भदोही दिखाई पड़े। और जी अशोक कुमार सिंह, मंडल महामंत्री मिर्जापुर और सुरियावां क्षेत्र का निवासी हूं, जो अमर उजाला हिंदी दैनिक समाचार पत्र से समाचार भेजता हूं, लिखता हूं। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद भदोही की ये जनपद स्तरीय ये बैठक तहसील भदोही, ज्ञानपुर भदोही और उसके बाद औराई, हमारे तीनों तहसील की बैठक और जनपद के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। और आज इस बैठक में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश मिर्जापुर विंध्याचल मंडल के मंडल महामंत्री आदरणीय अशोक सिंह जी व मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय राकेश द्विवेदी जी आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित रहे और हम लोगों को जो है मार्गदर्शन दिए कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन संगठन में कितने और सदस्य को जो है जोड़ करके और एकता के विषय में इन लोगों के द्वारा हम लोगों को संदेश दिया गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हमेशा ग्रामीण अंचल के पत्रकारों के लिए संघर्ष करने का काम करता है। अगर किसी पत्रकार साथी के साथ चाहे किसी भी के द्वारा अगर गलत किया जाता है तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हमेशा कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करने का काम करता है। आज के बैठक का उद्देश्य यह था कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्य
भदोही जनपद में और बढ़ाए जाए और उसके बाद जो है संगठन पर मजबूती पर बल दिया गया कि और रणनीति अपनाई गई कि भदोही जनपद में पूर्वांचल लेवल का कार्यक्रम ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का कार्यक्रम होने के लिए इस पर रणनीति बनाई गई। दिनेश कुमार यादव उर्फ दादा, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, जिला महामंत्री भदोही। हमारे अध्यक्ष जी ने कई बार कहा कई लोगों को जोड़ने के लिए, कई लोगों से हमारी बात भी हुई और कुछ हमारी ही गलती रही कि हमने उनसे दोबारा नहीं कहा ना मिला। और हम इस सभा में फिर से कहना चाहते हैं, अभी अध्यक्ष जी ने एक बात और कही कि हम झांसी जब गए थे तो एक बात के लिए थोड़ी सी बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि हर जगह 100-200 जिले से पत्रकार एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं ग्रामीण के, हमारे जिले से संख्याएँ कम हैं। कम होने का कारण वो अध्यक्ष जी आपका नहीं है, हम लोगों का है। हम लोग थोड़ी सी मेहनत नहीं किए हैं और आज इस सभा के माध्यम से कहना चाहते हैं सारे लोगों से कि अगली मीटिंग होगी तो सबसे ज्यादा ज्ञानपुर जिले, ज्ञानपुर तहसील है। ईश्वर रूपी आप पधारे, दिल में खुशी हमारे। ईश्वर रूपी आप पधारे, दिल में खुशी हमारे। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका। बंधन है अभी नंदन है, स्वागत है श्रीमान आपका। बंधन है अभी नंदन है। कलयुग के भगवान आप हैं, कलयुग के भगवान आप हैं। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका। बंधन है अभी नंदन है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। श्री के महामंत्री श्री जी का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया। हमारे सहयोगी हमारे मंडल के महामंत्री श्री अशोक जी का स्वागत करता हूँ। जिले के जिला अध्यक्ष शब्दीलाल जी का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने संगठन को बहुत मजबूती दिया। आज हम लोग बहुत दिनों बाद यहाँ बैठे हैं और आपस में चर्चा हो रही है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। अभी झांसी हुआ था संगठन का प्रदेश सम्मेलन, मैं तो नहीं जा पाया लेकिन अमृतलाल जी गए थे, दिनेश जी गए थे, बहुत अच्छा वहाँ कार्यक्रम हुआ। और इसी प्रकार हम चाहते हैं कि हमारे जनपद में एक अच्छा कार्यक्रम हो और जिसे अगर हम प्रदेश स्तर नहीं कर पा रहे तो पूर्वांचल स्तर का एक बैठक यहाँ वो जिसे सभी लोग और बड़े खुशी के साथ में कहना पड़ता है, पड़ रहा है कि हमारा संगठन ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो रजिस्टर्ड संगठन है प्रदेश में और सारे जितने संगठन है उसे हवा वाई बात करते हैं और सबसे पुराना संगठन है। और हमारे संगठन में सब ग्रामीण पत्रकार जुटे हुए हैं और ग्रामीण पत्रकारों के सामने चुनौती बहुत बड़ी होती है पत्रकारिता के लिए, क्योंकि वो स्थानीय पत्रकार होते हैं, स्थानीय लोगों को दुश्मनी को मिलना पड़ता है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच में आप पत्रकारिता करते हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मैं सर्दी जुकाम से पीड़ित हूँ, इसलिए आप लोगों में सभी लोगों का स्वागत बंधन में करता हूँ।